नमस्कार, टीवीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है और मैं हूँ शिल्पा शर्मा। आजादी का 75 साल, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं देंगे। कैप्शन तो आप पढ़ ही चुके होंगे, आशियाना। हम किस आशियाने की बात कर रहे हैं आपको वो बताएंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मीनाक्षी जी, बिल्कुल। और किस आशियाने की हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। हम आशियाने की बात कर रहे हैं, मीनाक्षी को मिला आशियाना। क्या आशियाना है वो भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं तो इस वक्त हम बहू फोर्ट के कालका कॉलोनी में है, जहां पर कालका कॉलोनी वालों को मिला है रहन बसेरा। जी बिल्कुल, रहन बसेरा, लोगों को रहने की जगह। उन लोगों को रहने की जगह, जब बरसात में पानी उनके घर पर चले जाता है, पुल टूट जाता है, रास्ता टूट जाता है और घर क्रैक हो जाते हैं, टूट जाते हैं और रहने का कोई नामो निशान नहीं होता, रहने की कोई व्यवस्था नहीं होती। लेकिन कुछ एनजीओ ऐसे होते हैं जो काम करते हैं, इनके लिए स्पेशली काम करते हैं और इनको घर दिलाते हैं, रहने का ठिकाना दिलाते हैं। इसी को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ मीनाक्षी है, जैसे कि मैं पहले बोल चुकी हूँ। जी मीनाक्षी मैम, पानी आया था हमारे घर, बह गया श्याम अंकल और मैम ने हमारे को इधर रहने की जगह दी, खाने पीने का सारा सामान दिया इधर। श्याम अंकल यहाँ के कोऑपरेटर है। हाँ जी जी, सारे इधर हमारे कॉपरेटर साहब और मैम जी हमारे को रहने के लिए जगह दी, कह रहे कि हम भाई इधर रह सकते हो, जब तक नाला नहीं बनेगा इधर हो, है ना। हमारी उधर नाले की पुली भी टूट गई, सारा कुछ यही कहना चाहते कि हम भाई नाला जल्द से जल्द बने। क्या हालात है, घर भी टूट चुके हैं? हाँ जी जी, चार पुलियाँ टूटी है इधर, घर 6-7 टूट गया इधर अभी इस बारी परसों चौथ। तो हमें ये कहती हूँ मैं कि हम भाई जल्द से जल्द नाला बनना चाहिए और कुछ नहीं। वो नाला जो है वो हर बार जब बारिश लगती है तो हर बार टूटता है जी, हमारा घर हर बार जाता है, बहता है उधर से। तो वहाँ पर कोई नाले को ठीक करने के लिए कॉपरेटर की बात करें तो कॉपरेटर वहाँ पर वो नाला ठीक करवाने का अभी क्या बोल रहे हैं कि वो नाला ठीक करवाएंगे? जी कह रहे हैं हाँ करवाएंगे, पहले करवाया था तो फिर हमारी पुली गिर गई तो उसके साथ सारा कुछ बह गया, तो इसलिए शाम हमारे साहब कह रहे हैं कि हम भाई दोबारा करवाएंगे, दोबारा ठीक करवाएंगे। और तब तक इन्होंने यहाँ पर आपको रहने की सुविधा दी है जिसका नाम है रहन बसेरा। जी कह रहे हैं आपके साथ साथ यहाँ पर और कितने ऐसे लोग हैं? हमारे इधर 2-3 जने हैं क्या भाई जिनका बहुत ज्यादा नुकसान है, इसलिए मैम और सर ने इधर रहने के लिए जगह दी है मेरे को। जब बारिश पड़ी थी तो किसी को चोट वगैरह लगी थी उस समय? जी मेरे भाई और को, 2 भाई थे, उन दोनों को लगी, दोनों पुलिस से जा रहे थे, उनको नहीं पता गिर गई, दोनों को दोनों नाली में ही गिर गए पत्थर पे, तो उनको लगी दोनों को काफी चोट लगी थी। हाँ और दोनों अब कल आया, एक कल आया एक उसी दिन आ गए थे शाम को। यही कहना चाहते कि जल्द से जल्द नाला बनना चाहिए और कुछ बाकी। ये हर बार बारिश पड़ती है तो हर बार नाला टूटता है, या फिर आज ही इसी सीजन में, बारिश के सीजन में देखा गया है कि नाला टूटा है? जी हर बार रूटता है, बहता है, हर बार टूटता है। हाँ तो आपको मतलब इसी बार ये रहन बसेरा जो है यहाँ पर रहने का आपको इंतजाम किया गया लिए, या फिर पहले भी रहन पहले भी दिया जाता है? जी 2 बार पहले भी दे चुके हैं, तो तीसरी बार ये हमारा गया, तीसरी बार दोबारा दिया इन्होंने रहने के लिए। तो मतलब आपके कॉपरेटर सर जो है वो बहुत अच्छे हैं कि आपको रहने का ठिकाना जो है वो यहाँ पर दिलाया जा रहा है। बहुत अच्छे हैं, जब भी देखो बहुत अच्छे हैं, जब वह रोज आते हैं दफ्तर, लेकिन उनकी सिफारिश नहीं चल रही है, ऐसे तो रोज आते हैं, रोज जाते हैं कि नाला जो है वो बनना चाहिए, रोज वहाँ पर जाके बातचीत करते हैं। जी लेकिन वो जो है ना जो नाला बनाएंगे वो मानी नहीं है, लेकिन हम अंकल रोज आते हैं सर, बस यही कहना। तो यहाँ पर रहन बसेरा में आपको सारी सुविधाएं मिलती हैं? जी खाने पीने का सब मिलता है यहाँ पर, सब कुछ मिलता है। कब से यहाँ पर, कब से रह रही हैं आप? हम 11 तारीख को आए थे। 11 तारीख? हाँ, तो इधर सारा कुछ खाने पीने का सारा कुछ सिस्टम वगैरह सारा कुछ है। आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरे 2-3 भाई हैं, भाभी है और 2 उनके बच्चे हैं, तो मम्मा पापा और मैं। वो भी यहीं पर रह रहे हैं? हाँ सारे इधर ही हैं बस।
क्या सरकार से कुछ अपील करना चाहेंगे कि आपका नाला जो है वो जल्द से जल्द बने? अलजी मनोज सिन्हा से कुछ कहना चाहेंगे कि आपके आपका जो नाला है वो जल्द से जल्द ठीक किया जाए, और साथ साथ ये भी कहेंगे कि वो नाला जो है वो पक्के तरीके से ठीक किया जाए, ताकि दोबारा ऐसी गलती जो है, दोबारा ऐसे पुल जो है वो ना टूटे, घर जो है ना टूटे, कहना चाहेंगे कुछ? जी, जल्द से जल्द नाला बनना चाहिए। जैसे ऊपर बना इधर ऊपर नाला बना, जैसे ऊपर बना वैसे नीचे बनना चाहिए पूरा पक्का। और घर हम बना लेंगे दोबारा, लेकिन पुली वगैरह जो रास्ता वगैरह सारा कुछ ठीक हो जाए, नाला बन जाए पक्का, और कुछ नहीं चाहते हम, बस यही चाहते थोड़े। रहन बसेरा में आपको हर एक फैसिलिटी जो है मिल जाती, कोई यहाँ पर दिक्कत वगैरह तो नहीं आ रही? नहीं भाई, सब कुछ ठीक है इधर। और कुछ कहना चाहेंगी? बस खुश है यहाँ पर आके? जी, कोई तकलीफ नहीं है? नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल, आपने साफ तौर पर सुना कि जब बारिश पड़ने पर लोगों के घर टूट जाते हैं, लोगों के रास्ता, चलने का रास्ता जो है वो भी टूट जाता है, और काफ़ी नुकसान जो है वो देखने को मिलता है। और इन्हों जैसे इन्होंने बताया कि कालका कॉलोनी में जब मूसलाधार बारिश पड़ी थी, तो उसके कारण इनके घर टूट गए, इनका पुल टूट गया, और काफ़ी नुकसान जो है वो लोगों को देखना पड़ा, और चोट भी लगी, और उसी के चलते या इनके कॉपरेटर जो बिल्कुल जो यहाँ के कॉपरेटर है, उन्होंने यहाँ पर कालका कॉलोनी में इनको रहने का एक कहा जाए तो बसेरा, जी बिल्कुल इनके लिए तो बसेरा ही है, कि आश्रम दिया, यहाँ पर आश्रम बनाया, और इनको रहने की हर एक सुविधा जो है वो दी जाती है। खाने की बात करें तो खाने का भी इनको हर एक चीज़ जो है वो फैसिलिटी हर एक प्रोवाइड की जाती है। और अगर हम बात करें कि इसी बार ऐसा हुआ है, नहीं, या हर बार जब बरसात होती है, जब ऐसा नुकसान देखने को मिलता है, जब लोगों के घर टूट जाते हैं, तो हर बार रहन बसेरा जो है यहाँ पर लोग आते हैं, और इस रहन बसेरे में लोग रहते हैं। जी बिल्कुल, और बहुत अच्छा कदम है कॉपरेटर सर ने, बहुत अच्छा कदम यहाँ के कॉपरेटर सर ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, कि लोगों को वो रहने की यहाँ पर सुविधा दे रहे हैं, लोगों को वो यहाँ पर रहने की हर एक फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। और बहुत अच्छी बात है कि लोगों के लिए सोचा जा रहा है, सरकार तो सोच नहीं रही है, सरकार तो बस पैसे लगाती है, पुल बनाती है, घर बनाती है, लेकिन कहा जाए तो अच्छे से मटेरियल नहीं होता है, जिसकी वजह से पुल टूट जाता है। पिछली बार भी हमने आपको दिखाया था कि कालका कॉलोनी में किस तरीके से पिलर जो है वो टूट चुके हैं, और वो नया नहीं है, वो नया बन चुका है, लेकिन ये चीज नहीं है। हर बार ऐसा देखा जाता है, हर बार वो पिलर खड़े किए जाते हैं, वहां पर पुल बनाया जाता है, और हर बार वो टूटा जाता है। लेकिन जिस तरीके से कॉपरेटर सर ने, यहाँ के कॉपरेटर ने यहाँ पर लोगों को रहने का ठिकाना दिया, ये सराहनीय की बात है। देखते रहिए टीवी नेटवर्क, शिल्पा शर्मा के साथ कैमरामैन रघु।